Hey guys, welcome back to another video of Justice Doom War. और आज के एपिसोड में आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से लेक्स लूथर रखे जस्टिस लीग की 100 नहीं ये नहीं बोलना चाहिए. एनीवे, लेट्स बिगिन द वीडियो. प्रेजेंट में अर्थ जीरो वॉशिंगटन डीसी पर कुछ लोग हॉल ऑफ जस्टिस के सामने आए हुए होते हैं. उनमें से एक कहता है ये मत करो वो तुम्हें देख लेंगे. तो वो कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्यों मुझे देखते हैं, मैं तो चाहता हूँ क्यों मुझे देखे. यहाँ पर जो कुछ भी है ये वर्ल्ड में ऐसा फील हो रहा है कि हीरोज पूरे अंधे हो चुके हैं, उन्हें कुछ नोटिस करना ही नहीं है. यहाँ जो कुछ भी हो रहा है जिस चीज का भी वेट हो रहा है वो ये है कि उन्हें एक साइन चाहिए और मैं उनके लिए लेकर के आया हुआ हूँ. वो एक कार्डबोर्ड पर लूथर वॉस राइट लिख करके यहाँ लेकर के आया हुआ होता है और तभी उनके सामने एक लाइट चमकती है और वो सभी उसकी ओर देखने लगते हैं और ये और कोई नहीं पर्पेटुआ की डार्क फोर्स का सिम्बल यानी कि द सिम्बल ऑफ डूम था. हॉल ऑफ जस्टिस के अंदर सुपरमैन कह रहा होता है उसे मत कहो प्लीज उसे मत कहो, वो साइन जो कुछ भी इशारा कर रहा है मुझे उसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानना है. हम जानते हैं हमने सारे सारे टोटलिटी के पीसेस इकट्ठा किए, हम रेडी थे स्टारमैन. तो क्या हुआ वो पोर्टल ओपन क्यों नहीं हुआ. तब पास्ट के स्टारमैन कहता है हम सभी स्टारमैन के बीच का कनेक्शन किसी तरीके से टूट गया है. ऐसा लगता है कि जो तुम्हारा स्टारमैन है सुपरमैन वो मर चुका है. आई एम सॉरी. तब जैरो कहता है गाइस तुम्हें याद है जब स्टारमैन अपने आप को पहली बार हमारे सामने दिखाया था तो उसने अपने एक विजन के बारे में बात की थी जो कि सच होने वाला है. ऐसा लग तो रहा है क्योंकि जब मैंने उसे सुना था तो उसने मुझसे कहा था हमसे कहा था कि हम में से तीन मरेंगे. पहले एक्वामैन मरा, अब मार्शियन मैनहंटर मरा और अब खुद स्टारमैन. अब उसका नेक्स्ट विजन जो है यारों की बात पूरी होती नहीं है. तब कवाड़ी कहते हैं द एंड द लास्ट ग्रेटेस्ट डिजास्टर. मैं इस बात पर अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ. ये काफ़ी फनी लगता है क्योंकि मैं बहुत ही लंबा समय अपने वर्ल्ड में इस सब डिजास्टर के बारे में सोचते हुए बिताया हूँ. मैंने तो द बुक ऑफ लैंग्वेज में भी इसे देखा और वहाँ पर पता चला कि ये दो वर्ड्स का मेल है. डिस जो कि बैट को रिप्रेजेंट करता है और आस्टर जो कि स्टार को रिप्रेजेंट करता है. और हमारे ऊपर अगर वो सबसे बुरा स्टार नहीं है आज तक का तो मुझे नहीं पता वो क्या है. ये कहने के बाद एक्वामैन मीरा से बात करने की कोशिश करता है लेकिन मीरा उसे मना कर देती है अभी नहीं बोल करके. और तभी कैटमैन उनसे कहता है यार इस जगह को देखो ये इतना बवाल है यार, यहाँ का जो ये फ्लोर है ये तक बवाल लग रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारे पास कुछ तो होगा. तब ग्रीन लैंटर्न कहता है हमारे पास एक आर्मरी है लेकिन उसके कोई भी वेपन का कुछ भी काम नहीं आने वाला. वाइल्ड कैट हमें सिंपली कोई रास्ता ढूंढना होगा तुम्हें वापस भेजने के लिए. तभी पास्ट का ग्रीन लैंटर्न एलन कहता है यहीं रुक जाओ जॉन, तुम जानते हो ना हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम जस्टिस सोसाइटी हैं और हम यहाँ तब तक नहीं जाने वाले जब तक तुम हमारे क्वेश्चन का जवाब ना दे दो, आखिर हम क्या कर सकते हैं. तब बैटमैन वहाँ से जाते हुए कहते हैं हमें केंद्र और सियान के पास पहुँचना होगा. तब सुपरमैन कहता है तुम सही हो, अगर हम एक पोर्टल क्रिएट करते हैं तो हम अभी भी टोटलिटी के पीसेस को उन तीनों भाइयों को दे सकते हैं और हमारे पास अभी भी चांस है. तब बैटमैन कहता है वो जो आसमान में दिखाई दे रहा है क्लार्क तुम्हें क्या लगता है वो क्यों दिख रहा है. वहाँ जो भी और जैसी भी लड़ाई हुई थी अब ख़त्म हो चुकी है, हमें अपने दोस्तों को वापस लाना होगा और सभी को. तभी जैरो उससे कहता है तुम गुडबाय कहना चाहते हो. तब बैटमैन कहता है मैंने तुमसे कहा था ना. तभी जैरो कहता है मैं माइंड रीड करता हूँ डैड. बैटमैन और जस्टिस लीग के मेंबर अभी कॉन्फ्रेंस रूम की ओर जा रहे होते हैं. तभी वो देखते हैं कि मिस मार्टिन घायल पड़ी हुई है और वो बताती है कि इस तरीके से एक बहुत ही पावरफुल साइकिक स्क्रीम हम इनके कानों इनके दिमाग में गूंज रही है और बार बार ऐसा लग रहा है कि ये इस प्लेनेट के बियॉन्ड हर एक पर्सन के दिमाग के आर पार जा रही है. तब रेवन कहती मैं भी इसे फील कर सकती हूँ, ये एम्पैथिक तौर पर सभी के सभी जीवों को पावरफुल बना रही है लेकिन डार्क फोर्सेस के साथ उन सभी को ये डार्कनेस से इम्यून कर रही है. तब सुपरमैन कहता है तो ये पर्पेटुआ का सिंबल द सिंबल ऑफ डूम स्काई में सिर्फ यूं ही नहीं है, इसका मुझे लगता है कि मेरा टेलीस्कोपिक विजन के जरिए मैं इसके आर पार नहीं दे सकता. ऐसा लगता है कि ये किसी तरीके का साइकिक वार्निंग है. तब मिस मार्टिन कहती है क्या तुम सच में नहीं जानते. तब बैटमैन उससे आकर के पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है. तब वो बताती है ये हर जगह है, ये मार्क ऑफ डूम हर जगह है, हर कोई इसे देख सकता है. और मिस मार्टिन सही थी, गॉथम सिटी में बैटगर्ल से लेकर के सेंट पीटर्सबर्ग के कई सारे रोबोट्स तक को ये
दिख रहा था। पर ये सिर्फ अर्थ पर ही नहीं, द गोस्ट सेक्टर, द पोलारियर सिस्टम, ओआर, द डार्क मल्टीवर्स, अर्थ 3 और द सेंटर ऑफ द मल्टीवर्स में भी देखा जा रहा था। और इसका मतलब ये था कि ये पूरे के पूरे ओमनीवर्स में दिखाई दे रहा था। अर्थ 19 के गॉथम में बैटमैन अभी जिम गॉर्डन के पास आया हुआ होता है। इस यूनिवर्स की टेक्नोलॉजी अभी काफी पीछे की है। डूम सिंबल के दिखने के कुछ देर बाद यहाँ पर पेरपेटुआ आ जाती है और वो कहती है, ये अर्थ, ये एंटायर यूनिवर्स, ये सबसे ज्यादा पुराने प्रिमिटिव एज से बिलोंग करता है। यहाँ के इंडस्ट्रियल हॉक से कईयों का गला तक घुस जाता है। यहाँ पर दिन की रोशनी भी गैसी का दिखाई नहीं देती और यहाँ हर तरीके के क्राइम होते हैं और यहाँ जस्टिस का नामो निशान तक नहीं है। और अब हम देखते हैं कि बैटमैन अभी जस्टिस इंसरिकेट से मदद मांग रहा होता है और वो कहता है कि यहाँ पर एक क्लास ओमेगा लेवल इंकर्जन हो रहा है और मेरा वर्ल्ड इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है कि हम इसे रोक सकें या फाइट बैक तक कर सकें, तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। पर उस डिवाइस से कोई आंसर नहीं आता है और तब जॉर्डन कहता है, भगवान हमारी मदद करे। तो इस यूनिवर्स की गॉडेस कह रही होती है, तुम मुझे ज्वाइन कर सकते थे, मेरे कॉस्मिक प्रेडेटर की आर्मी में ज्वाइन हो सकते थे, मेरे साथ पूरे एटर्निटी तक साथ रहते। और तुम्हारे यूनिवर्स का ये सेंटर जहाँ पर हर वक्त डूम की आवाज़ गूंजती है, उनमें भी जस्टिस की उम्मीद नहीं आनी चाहिए, मैं इसे अलाउ ही नहीं कर सकती। तब बैटमैन कहता है, वहाँ और भी कई सारे वर्ड्स हैं जॉर्डन, तुम जानते हो मेरे वर्जन्स के, मेरे और भी कई सारे वर्जन्स के, तुम्हारे वर्जन के, पर ये वर्ल्ड ने ऐसे खतरों को फेस किया है जो हमारे इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड है और वो जीते भी हैं। तब गॉर्डन कहता है, उसका साइज देख यार, वो एक पूरे पूरे शहर से भी बड़ी दिखती है, तुझे क्या लगता है तू उसे रोक सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है। तब बैटमैन कहता है, हम जो कर सकते हैं वो हम करेंगे इंस्पेक्टर, चाहे ये हमारा अंत ही क्यों ना हो। तब पेरपेट्रो कहती है, ये काफ़ी लंबा हो चुका है, आखिर इतने हजारों सालों तक जीने के बाद तुम अब आखिर में सही होने वाले हो। तब पेरपेट्रो उस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है, एक बच्चा बड़ी बॉम्ब को ढूंढ रहा होता है। तब बैटमैन उसके पास आता है, यहाँ पीछे मत देखो, तुम आगे चलो, वक्त से रोकता है और तब ये यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। पेरपेट्रो कह रही होती है, ट्रिलियंस ऑफ लाइफ एक ही सिंगल शॉट में डिस्ट्रॉय हो गए, यहाँ 52 यूनिवर्सेस थे मेरे पुराने वर्जन के मल्टीवर्स में, पर अब यहाँ सिर्फ 51 है। अब इसके बाद एक यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद प्रोटीमेंटन गैलेक्सी यानी यूनिवर्स 0 में पेरपेट्रो आ चुकी होती है और वो उनसे कहती है, क्या तुम फील कर सकते हो मेरे बच्चों, क्या तुम एक यूनिवर्स की डेथ को फील कर सकते हो। तब लूथर कहता है, हाँ हर एक सेल में। तब पेरपेट्रो आगे कहती है, मैंने इन्हें क्रिएट किया है और डिस्ट्रॉय भी, पर ये किए हुए मुझे काफ़ी लंबा समय बीत चुका है और ये सब मेरे पावर का एक बहुत ही छोटा हिस्सा था जो मैंने तुम्हें ये सारा काम करने के लिए दिया है। ये हीरोज बेवकूफ थे जो मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, इन्हें तो मेरे साइड में होना चाहिए था, पर अब ये मल्टीवर्स इनके साथ ही टूटेगा और मरेगा भी। तो पेरपेट्रो आगे कहती है, पर मॉबियस तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया था, पर तुम जानते हो क्या, तुम हमेशा से मेरे सारे बच्चों में मेरे फेवरेट रहे हो, मेरे प्रीसीसियस डिस्ट्रॉयर्स ऑफ वर्ल्ड। तब एंटी मॉनिटर कहता है, थैंक यू मदर, मैं आप पर फिर कभी भी डाउट नहीं करूंगा। तब पेरपेट्रो लूथर से कहती है, लूथर क्या तुम मेरे साथ हो। तब लूथर कहता है, हाँ बिल्कुल। तब पेरपेट्रो आगे कहती है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए ताकि मैं इतना एनर्जी फिर से इकट्ठा कर सकूँ ताकि एक और यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकूँ, और इस बीच तुम्हें मेरा एक काम करना है। तब लूथर पेरपेट्रो से कहता है, आप मुझे दिखाइए आप मुझसे क्या करवाना चाहती हैं। और जब पेरपेट्रो लूथर से कहती है कि मैं इस पूरे के पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करूंगी और उसके बाद इसे रीअरेंज करूंगी और इसके लिए मुझे मेरे एक जजमेंटल आर्मी की ज़रूरत पड़ेगी जो कि उन सभी लॉयल वर्ल्ड्स को मेरे डूम और उन लोगों को जो एल्फी प्रेडिटर में दिल से विश्वास रखते हैं उनको सर्व करेगी, और इसीलिए ये मेरी आर्मी के जनरल तुम बनोगे लूथर, और जो मेरे खिलाफ उठेंगे तुम उन्हें बर्बाद कर दोगे, चाहे वो द सोर्स ऑफ चर्च ही क्यों ना हो। वहीं दूसरी तरफ सैन हॉगल से कहता है, क्या आप उसे फील कर सकती है मदर, मुझे पेरपेट्रो ने जो किया उसे महसूस करने में और उसकी जो सोच है वो मेरे
दिमाग में अभी भी गूंज रही है। उसकी प्लानिंग मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने की बहुत ही ज्यादा डरावनी है। हमें जस्टिस लीग और अर्थ तक जल्द से जल्द पहुंचना होगा। तब हॉक गर्ल कहती है, ये सब कुछ मेरी गलती है, मैं इतनी ज्यादा सेल्फिश क्यों हूँ, आखिर मैंने हमारे पूरे मल्टीवर्स को डूम की ओर घसीट कर ले आया है। काश यहाँ पर जॉन होता, वो मुझे ये सब कुछ करने से रोक देता और शायद हम यहाँ पर भी जीत भी गए होते। तब सैन कहते हैं, वो यहीं पर है, ऐसा लगता है कि मैं उनके लाइफ फोर्स को लूथर के लाइफ फोर्स के साथ मर्ज हुआ फील कर सकता हूँ। अगर हम लूथर को किसी तरीके से हरा देते हैं तो शायद हमें वापस मिल जाएंगे। पर तभी वहाँ बैटमैन का कॉल आ जाता है जिसमें बैटमैन कह रहा होता है, बैटमैन टू हॉक गर्ल, ये मैसेज बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, हमें जानना है कि क्या हुआ है, हमारे पास सारे के सारे टोटलिटी के बिजनेस हैं, आखिर वहाँ हुआ क्या है, क्या तुम मुझे सुन सकती हो। तब सैन कहता है, बैटमैन मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, मैं सैन हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल लाउड और क्लियरली सुन सकता हूँ, पर हम यहाँ पर हार चुके हैं, स्टारमैन मर चुका है और एंटी मॉनिटर अब पेरपेटुआ के साथ है, और अब पेरपेटुआ पहले से भी कहीं गुना ज़्यादा पावरफुल है, उसने पहले ही एक यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। लूथर ने मेरी मॉम पर हमला किया था लेकिन मैं किसी तरीके से जलान पर उसे वापस लेकर के आ चुका हूँ, पर हम बहुत ही ज़्यादा दूर हैं और मैं उन्हें मरते हुए यहाँ नहीं देख सकता। तब बैटमैन कहते हैं, ठीक है शांत रहो सैम, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ वापस लेकर के आऊँगा, मैं उस जंप शिप को रिमोटली एक्टिव करने वाला हूँ जिसका नीचे जवेलियन अर्थ पर वापस आ जाएगी। तुम्हें बस इतना करना है, ग्रीन बटन को हिट करना है जब मैं तुमसे कहूँगा, क्या तुम कर सकते हो मेरे लिए। तब सैन कहता है, हाँ बिल्कुल। तब बैटमैन कहता है, ओके अब जरा लंबी सांस लो और उस ग्रीन बटन को हिट करो, अभी हमें यह जल्द से जल्द करना होगा क्योंकि अगर पैर पैर इतनी ज़्यादा बार हो चुकी है तो तुम ज़्यादा देर तक अननोटिस नहीं रह पाओगे। और बैटमैन सही था क्योंकि लूथर इस बारे में जान चुका था, और लूथर पेरपेटुआ को ये बताता है कि हॉक गर्ल भागने की कोशिश कर रही है, वो जस्टिस लीग तक पहुंचना चाहती है अर्थ पर। तब पेरपेटुआ उस शिप को देखती है और वो कहती है, मैं उसे देख सकती हूँ, वो रैप्टर होनी चाहिए थी ना, चलो उसकी विंग्स ही ले लेते हैं, क्या हम ले लें। तब वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसके कारण वो शिप में भी एक ब्लास्ट हो जाता है। वहीं सियान चिल्ला रहा होता है, नहीं बैटमैन क्या तुम मुझे सुन सकते हो, बैटमैन क्या तुम वहाँ पर हो। पर उस जहाज का सिस्टम फेलियर होने लगता है। तब सैन कहता है कि शिप क्रैश हो रही है, ओ माय गॉड हम क्या करने वाले हैं, मुझे नहीं पता आखिर हम कहाँ पर हैं। तब हॉक गर्ल भी वहाँ से उठ करके सैन के पास आने लगती है। तब सैन कहता है, किसी न किसी को हमें ढूंढना होगा, किसी को हमें बचाना ही होगा, बैटमैन प्लीज। वहीं दूसरी ओर लूथर कह रहा होता है, अब जब बर्ड नीचे गिर चुकी है तो अब हम क्या जस्टिस लीग के साथ डील कर सकते हैं, हमारी विक्ट्री तय हो चुकी है, पर मैंने अभी तक ये सीखा है कि कभी भी उन्हें अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तब पैर पैर वो कहती है, मैं इस बार तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें अपने आप को प्रूव करने का मौका भी मिलेगा। तब लूथर कहता है, कैसे, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगी जो तुम्हें चाहिए, अब जाओ और उन सभी को मार डालो। और तब लूथर कहते हैं, और इस पल का मुझे कब से इंतजार था। वेल गाइस यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। अब कुछ ही एपिसोड बचे हैं जस्टिस डूम वॉर के, तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो पोल्ट्री कॉस्मिक और मल्टीवर्स दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप मल्टीवर्स के व्यूअर हैं तो पोल्ट्री कॉस्मिक में आ जाइएगा, और अगर आप पोल्ट्री कॉस्मिक के व्यूअर हैं तो मल्टीवर्स में भी चले जाइएगा। आफ्टर ऑल दिस थैंक्स फॉर वॉचिंग।